बसने वाले हमारे दर्शकों के पीछे स्लैबर के पास मौका है। गुरुंडिया शॉट यहां पे सीधे और क्या मैच का पहला गोल आ चुका है। ये लीजिए लगातार विराज अच्छी गोलकीपिंग कर रहे थे। साइड है देखो तो बाउंस भांगला ने सुन सुन रे अच्छा देखा बर्तमान अजय व्रत पाकर चांस था कि पिकलो बाकू और बाकू का ये दूर से शॉट है लेकिन मिराज बिल्कुल तैयार है बादल की तरह। इस बार जितेन के पास मौका था बिल्कुल अकेले थे। आज उद्घाटन मैच को आमर यूट्यूबर दस दस जन निजर कैमरा भितर कैद कर आज सुंदर खेल को देखा बर्तमान सुजोग थिला टीचर्स इलेवेन हाथ में किंतु रक्षा करिसंती गोलकीपर बरसलैयार रखी कमाल सबसे बात की अजय ब्रदर्स की टीम में कोई अजय मौजूद नहीं वही पीछे इलेवन की टीम में टीम के गोलकीपर अजय है यानी कि अजय ब्रदर्स की टीम को रोकेंगे अजय गोल पोस्ट पे। मौका है जितेन शॉट लेने के लिए तैयार है टीम के कैप्टन है एक रक्षा पंक्ति पीछे इलेवन के द्वारा देखने को मिल रही है। इस रक्षा पंक्ति को भेजने का प्रयास करेंगे पूरी ताकत के साथ लेकिन वो शॉट आया नहीं वो मैजिकल मोमेंट आया नहीं कमाल का शॉट था लेकिन गोलकीपर अजय के हाथों एक शानदार और ये क्या दोनों ही विदेशी खिलाड़ी भिड़ गए। तीतर किला के इस मैदान में जमीती समय घड़ी घड़ी चली थी दुई दल कमी सुंदर शॉट नहीं चाहते टीचर्स इलेवेन गुरुंडिया देखा एपर्त आखिरी कुछ ही समय बचे हैं। जॉनसन कल के हाथों से मैच को ओपनिंग मैच को कौन से जीत कर अगले दौर में प्रवेश करती है इस बीच यहां पे लगातार दर्शक आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फुटबॉल दिल में बसता है तितर किला के क्षेत्र में बसने वाले हमारे दर्शकों के पीछे इलेवन के पास मौका है। गुरुंडिया शॉट यहां पे सीधे और क्या मैच का पहला गोल आ चुका है। ये लीजिए लगातार विराज अच्छी गोलकीपिंग कर रहे थे। ये लीजिए लगातार विराज अच्छी गोलकीपिंग कर रहे थे और एक मौका मिला हाथों से गेंद निकला और उसके बाद वापसी करने की कोई मौके नहीं थे। टीचर्स इलेवन ने गोल दाग दिया है जिसका इंतजार था वो घड़ी एक शून्य पे आ गया है। टीचर्स इलेवन को बढ़ोतरी किया और
पीछे स्लैबन की टीम अब इस मुकाबले में इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए क्या एक गोल कर पाएगी, क्या बराबरी कर पाएगी। फुटबॉल के खेल में अंतिम मिनट में भी पाशा पलट जाता है, बाजी पलट जाती है, क्या बचे में कुछ सेकंड्स में कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ये मैच हाथों से छूटता हुआ जा रहा है। पिकलो गेंद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पीछे इलेवन की टीम अटैक करती हुई, फुपना सात नंबर की जर्सी में, इस बीच सुशील मौजूद है, सुशील गेंद को लेने का प्रयास कर रहे थे। पूरे मैच में मिराज दर्शकों का शोरगुल बता रहा है कि कुछ भी हो सकता है। जय ब्रदर्स के खिलाड़ी गेंद के साथ मौका बना सकते थे, लेकिन सुब्रत की कभी भी विश ला सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट अब इस मैच के लिए। और ये लीजिए सुब्रत की ये फाइनल विसल के साथ इस मैच को जीतकर, ओपनिंग मैच को जीतकर तितिरकला कप में पीछे इलेवन ने कमाल की शुरुआत, एक धमाकेदार शुरुआत कर दी है। एक गोल से इस मैच को जीता, 1-0 से, और पीछे इलेवन की टीम अब सीधे क्वार्टर फाइनल में।